आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, C2H2 बनाने की प्रयोगशाला विधि में अमोनिया, H2S, ASH3, PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे प्रवाहित करते हैं। सही उत्तर के चयन के लिए हमें चार विकल्प दिए गए। विकल्प ए कास्टिक सोडा विलयन में से, विकल्प बी जल में से, विकल्प सी कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन में से और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा करने के लिए, इन अशुद्धियों को हटाने के लिए हम इसे कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन से प्रवाहित करवाते हैं। जब इसे कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन से प्रवाहित करवाया जाता है, ये अशुद्धियां किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं? देखिए, यदि अमोनिया उपस्थित है अशुद्धि के रूप में, तो इसे जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करा जाएगा, ठीक है ना, तो ये सल्फेट आयन के साथ अम्लीय विलयन है, अर्थात इसमें साथ में H+ भी उपस्थित है, तो यहाँ पे H2SO4 के साथ ये निर्मित होकर अभिक्रिया करके ये अमोनियम सल्फेट जैसा लवण निर्मित कर लेती हैं और पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, विलयन में घुल जाती हैं। यदि हम बात करें H2S गैस की, ठीक है ना, तो H2S गैस यदि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है, तो जितनी भी H2S गैस अशुद्धि के रूप में उपस्थित होती है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप बना लेती है, ठीक है। यदि बात करें आर्सेनिक और फॉस्फोरस हाइड्राइड की, ASH3 और PH3, तो ASH3 और PH3 यदि कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित है, तो ASH3 जो है ये कॉपर आर्सेनाइड बना लेता है, Cu3As2, ठीक है ना, कॉपर आर्सेनाइड बना लेता है, साथ में कुछ लवण बनेंगे, ठीक है ना। और यदि PH3 उपस्थित है, तो PH3 भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कॉपर के साथ कॉपर फॉस्फाइड का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार ये उपस्थित अशुद्धियाँ, यदि अमोनिया है तो वो लवण के रूप में, H2S है तो वो कॉपर सल्फाइड के रूप में, ASH3 आर्सेनिक हाइड्राइड है तो वो कॉपर आर्सेनाइड के रूप में, PH3 है तो कॉपर फॉस्फाइड के रूप में, इस प्रकार जो एसिटिलीन गैस के साथ जो अन्य अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं, उनको दूर करने के लिए इस गैसीय मिश्रण को कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन से प्रवाहित करवाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।